के ब्रैकेट्स हैं, अगर ये टूटते हैं तो दो बातें होती हैं। हाय बडीज, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाय बडीज, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। मैं तो खुश की हो रही हूँ। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मतलब जो हमारे ब्रैकेट्स हैं, देखो ये ब्रैकेट्स जो लगे होते हैं टीथ के अंदर, अगर वो निकल जाते हैं तो ये एक नॉर्मल थिंग्स है या नहीं, मतलब निकलना नॉर्मल बात है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनो सुनो सुनो, पहले ही बोल रही हूँ, वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बस ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रेसिस का टूटना नॉर्मल बात है या नहीं, है भी और नहीं भी, ठीक है, मतलब क्योंकि इससे हमें नुकसान तो होगा, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि इससे नुकसान नहीं होगा, तो थोड़ा तो हार्मफुल है हमारे लिए, बट नॉर्मल बात भी है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है। पहली बात कि जब हमारा जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले प्लग ही लगाए जाते हैं, ये ब्रैकेट्स ही हैं जो हमारे टीथ में लगाए जाते हैं, क्योंकि इससे ही हमारा बेस बनता है आगे ट्रीटमेंट करने के लिए। जो भी डेंटिस्ट हमारा ट्रीटमेंट करते हैं वो इस मतलब इस पर ही करते हैं, अब चाहे वो दाढ़ का हो लास्ट में या फिर ये ब्रैकेट्स हों, ठीक है। तो अगर ये टूटते हैं, अगर ये टूटते हैं, ये आपके ब्रैकेट्स हैं, अगर ये टूटते हैं तो दो बातें होती हैं, एक तो आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे हमारे टीथ पर प्रेशर बनाया जाता है, रबड़ जो होती है वो भी इन्हीं पे लगाई जाती है, जो तार होते हैं वो भी इन्हीं में लगाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर आप एक आपका एक ब्रैकेट टूट रहा है तो आपके जो टीथ हैं उन पर प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब डेंटिस्ट किसी किसी के होते हैं कि ठीक है आप नेक्स्ट डे जाके नहीं करवा सकते, तो आपको पूरे मंथ इंतज़ार करना पड़ेगा, और जिससे आपका जो पूरे मंथ पर प्रेशर होने वाला था टीथ पर वो अब नहीं होगा। दूसरी बात कि जो हमारे पैसे हैं वो ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि अब आपका ये टूटा है तो ऐसा तो है नहीं कि डेंटिस्ट फ्री में लगाएंगे, किसी किसी के हो सकता है लगा दे अच्छे हो, बट डेंटिस्ट अगर ये टूटेगा तो वो आपसे चार्जेस लेंगे ही लेंगे, क्योंकि देखो उनका उनकी जो मेहनत है वो बढ़ जाती है, इसको निकालेंगे फिर उसको दोबारा से गम से चिपकाएंगे, फिर दोबारा से तार लगाएंगे, फिर दोबारा से रबड़ लगाएंगे, तो ये सब चीज़ें अगर वो करेंगे तो ऑफकोर्सली वो आपसे चार्जेस भी ज़्यादा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये टूटेगा ही नहीं, मतलब ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा खुद भी दो तीन बार टूटे ही थे, क्योंकि हम लोगों को देखो पता नहीं होता है, स्टार्टिंग में हम कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं जिससे ये टूटे। तो एक आधे बार पूरे ट्रीटमेंट में एक दो बार टूटे, इट्स ओके, आप डेंटिस्ट से जाके बात कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके तीन तीन चार चार जो हैं वो प्लग टूट ही रहे हैं, ब्रैकेट्स निकल ही रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा होगा तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो मेक श्योर, मतलब ध्यान रखो कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें ना खाओ, और इस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, आपके मुंह पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, टीथ पर ज़्यादा मूवमेंट ना हो, और चिकन वगैरह और जो भी हार्ड चीज़ें हैं पिज्ज़ा और अपने आगे के जो टीथ हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, बहुत स्मूथली चीज़ें खाओ जिससे कि इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा।